को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में कुछ ऐसी मैजिकल टिप्स और मैजिकल सीक्रेट्स को शेयर किया गया है जिसको बताया है रॉबर्ट कियोसाकी ने। अगर आप वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको 6 मैजिकल सीक्रेट, जी हाँ 6 मैजिकल सीक्रेट मनी के पता चल जाएंगे, और वो हमने नहीं, वो एक खास लेखक ने लिखे हुए हैं, जिनकी बुक का लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए चलिए दोस्तों देखते हैं कि आखिर ये कौन है ऐसे महान लेखक। दोस्तों अगर आप बुक पढ़ने के शौकीन हैं और बुक पढ़ने में रुचि लेते हैं तो डेफिनेटली आप लोग रॉबर्ट कियोसाकी के बारे में जरूर जानते होंगे। जी हाँ प्यारे दोस्तों, ये वही फेमस लेखक हैं जिन्होंने रिच डैड और पुअर डैड जैसी वर्ल्ड क्लास बुक को लिखा हुआ है, और ये बुक काफ़ी बेस्ट सेलर में काउंट भी होती है। इसलिए 6 नियम जो यहाँ पर बताए गए हैं वो आपका रिच डैड और पुअर डैड की समरी से ही लिए गए हैं। अगर आप इन 6 सीक्रेट्स को जानना चाहते हैं तो कंप्लीट वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। प्यारे दोस्तों इस बुक में जो 6 सीक्रेट शेयर किए गए हैं उसमें ये बताया गया है कि आखिर अमीर लोग अमीर कैसे होते हैं और वो और ज़्यादा वेल्थ कैसे क्रिएट करते हैं, जबकि पुअर लोग और पुअर होते जाते हैं। तो ये जो 6 सीक्रेट हैं वो केवल रिच माइंडसेट लोगों को ही पता होते हैं। तो ये 6 सीक्रेट आखिर क्या हैं, तो इनको जानने के लिए कंप्लीट वीडियो को एंड तक देखिए। तो बिना टाइम गवाए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की फाइनेंशियल लर्निंग को। तो पहला जो सीक्रेट है वो ये बताया गया है इस बुक में कि अपनी जो सोच है वो सकारात्मक रखें। जी हाँ दोस्तों, अपनी जो लोग सकारात्मक सोच रखते हैं तो उनके पास पैसा आसानी से अट्रैक्ट होता है, क्योंकि जो व्यक्ति नकारात्मक सोच रखता है वो लाख प्रयत्न करने के बाद भी रिच नहीं बन सकता, जैसा कि इस बुक में बताया गया है। रिच डैड पुअर डैड, यहाँ पे दो डैड का एग्जांपल लेके बताया गया है किस तरह जो लेखक के पुअर डैड जिनकी पैसे को लेकर सोच काफ़ी नकारात्मक थी, जबकि जो रिच डैड हैं लेखक के दूसरे पिता जिनको वो अपना रिच डैड कहते हैं, उनकी सोच काफ़ी सकारात्मक थी पैसे को लेके, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में एसेट्स को जोड़ते गए, जबकि जो पुअर डैड थे उनकी सोच काफ़ी नकारात्मक होने की वजह से वो अपनी ज़िंदगी में कभी भी उतने एसेट्स को नहीं जोड़ पाए और लाइबिलिटीज़ काफ़ी ऐड की। रॉबर्ट कियोसाकी की बुक में लेखक के दो पिता हैं, पहले हैं पुअर डैड, दूसरे हैं रिच डैड, जिसमें उन्होंने अच्छे से समझाया हुआ है कि किस तरह से पुअर डैड की नकारात्मक विचारधारा की वजह से वो अपनी लाइफ में कभी भी रिच नहीं बन पाए, जबकि जो दो रिच डैड थे उनकी विचारधारा काफ़ी सकारात्मक थी जिसकी वजह से उन्होंने ज़िंदगी में अपने काफ़ी एसेट्स बिल्ड किए। इस एग्जाम्पल की हेल्प से हमें ये पता चलता है जो व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में सकारात्मक सोच रखता है वो बड़े से बड़ी मुसीबत को आसानी से पार कर सकता है, जबकि जिनकी सोच नकारात्मक होती है वो अपनी ज़िंदगी में खुद के लिए मुसीबत क्रिएट कर लेते हैं। जिसकी विचारधारा सकारात्मक होती है वो व्यक्ति बड़ी से बड़ी मुसीबतों को पार जाता है, जबकि जिसकी विचारधारा नकारात्मक होती है उसको छोटी से छोटी परेशानी बड़े पहाड़ की तरह लगने लगती है। इसलिए फाइनेंशियली ग्रो करने के लिए सबसे पहले सकारात्मक सोच का होना बेहद जरूरी है और नकारात्मक चीज़ों को अपने दिमाग में आने भी नहीं देना है। अब आता है दूसरा सीक्रेट जो है जोखिम उठाना। जी हाँ दोस्तों, हम सभी को अपनी लाइफ में जोखिम उठाना सीखना चाहिए। जी हाँ प्यारे दोस्तों, रिस्क और लक हमेशा साथ साथ चलते हैं। आपने हर्षित मेहता का ये वाला डायलॉग तो जरूर सुना होगा, रिस्क है तो इश्क है। प्यारे दोस्तों आपने एक बात तो जरूर सुनी होगी, जिस काम में जितना ज़्यादा रिस्क होता है उस काम में उतना ज़्यादा प्रॉफिट भी छुपा हुआ होता है। तो रॉबर्ट कियोसाकी की इस बुक से हमें एक बात और सीखने को मिलती है, जो इंसान जितना ज़्यादा रिस्क उठाता है वो उतना ज़्यादा लाइफ में आगे बढ़ता है। जी हाँ दोस्तों, जो लोग अपनी लाइफ में सिक्योर्ड लाइफ चाहते हैं और रिस्क उठाने डरते हैं वो लोग उतना ज़्यादा पीछे रहते हैं। जब आप बुक को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा किस तरह से लेखक के पिता जो कि पुअर डैड हैं वो हमेशा रिस्क उठाने से डरते थे और हमेशा एक सिक्योर्ड लाइफ ही चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी एक प्रोफेसर की तरह गुजार दी थी। वहीं इसके विपरीत जो लेखक के दूसरे पिता थे जिनको हम रिच डैड के नाम से जानते हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा रिस्क लिए और बहुत बड़े रिस्क लिए, इसलिए उन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली ग्रो भी किया। तो प्यारे दोस्तों, जिस काम में जितना बड़ा जोखिम होगा उतना बड़ा प्रॉफिट उस काम में छुपा होगा, इसलिए कभी भी जोखिम उठाने से मत डरिए और ना ही कभी
पीछे रहिए। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा रिच होना चाहते हैं और फाइनेंशियली ग्रो करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा। आप लाइफ में जितना बड़ा रिस्क लेंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, इसलिए अपनी लाइफ में रिस्क को मैनेज करना सीखें और उस रिस्क को अपनी सफलता में बदल कर एक कामयाब इंसान बन जाएं। यही है इसका सेकंड सीक्रेट रूल। तीसरा सीक्रेट रूल है अपनी गलतियों से सीखना। जी हाँ दोस्तों, हमें अपनी गलतियों से जरूर सीखना चाहिए, एक ही गलती को बार बार नहीं दोहराना चाहिए। लेखक रिच डैड का कहना है कि गलती करना अच्छी बात है, लेकिन गलती से सबक लेना और भी अच्छी बात है। इसलिए अगर आप एक ही गलती को बार बार कर रहे हैं और उससे कुछ नहीं सीख रहे हैं, तो इसके बड़ा बेवकूफ़ी वाला स्टेप और कुछ नहीं है। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि हम लाइफ में जो भी गलतियां कर रहे हैं, इससे ज़रूर कुछ ना कुछ हार देखने को मिलेगी, लेकिन हमें यहाँ पे रुकना नहीं है, बल्कि उन गलतियों से सीख के और आगे बढ़ना है। जो अपनी गलतियों से सीख कर उनको सुधार कर आगे बढ़ता है, वही विनर कहलाता है। जब हम अपनी गलतियों से सीखते हैं और उस कार्य को फिर से करते हैं, तो उसको हम और बेहतर ढंग से कर पाते हैं। इसलिए गलतियों के बाद सीखना बहुत जरूरी है। इसलिए गलती करके सबक लेना बहुत जरूरी है। इसलिए एक बात तो आप अपने दिमाग में गांठ बांध कर रख लें, आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें गलतियां तो जरूर होगी, लेकिन गलतियां करने के बाद उनसे सबक लेके हमें आगे बढ़ना है, और इससे आप अपनी लाइफ में जरूर कामयाब होंगे। चौथा सबसे इम्पॉर्टेंट रूल ये है कि कभी भी पैसे के लिए काम ना करें, बल्कि पैसे को अपने काम के लिए लगा दें। तो प्यारे दोस्तों, आपने ये तो सुना ही होगा कि पैसा ही पैसे को अट्रैक्ट करता है, यानी कि पैसा ही पैसे को खींचता है। जी हाँ प्यारे दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी ने यही बात समझाई हुई है कि आपको हमेशा पैसे के पीछे ही नहीं भागना है, बल्कि पैसे को भी कभी आपको मौका देना चाहिए आपके लिए काम करने का। अब आप ये सोच रहे होंगे कि पैसा आप लोगों के लिए कैसे काम कर सकता है। यहाँ पर पैसे को काम में लगाने का मतलब ये है कि पैसे को अच्छे से इन्वेस्ट करना। दोस्तों, अगर आप क्रिप्टो मार्केट में या फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो अगर आप नीचे दिए गए लिंक से अपने रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो इसमें आपको काफ़ी सारे बोनसेस भी मिलेंगे। तो अगर आप क्रिप्टो में जानना चाहते हैं तो उसकी अगली वीडियो को तो उसको नीचे, अगर आप क्रिप्टो के बारे में नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। इसी के साथ आप लोगों के लिए एक टेलीग्राम का ग्रुप बनाया गया है, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, तो उस ग्रुप से जुड़ना भी ना भूलें। रॉबर्ट कियोसाकी की ये वाली बुक से आप ये जान सकते हैं कि आपको अपना पैसा कहाँ, कैसे और कितना इन्वेस्ट करना है। अगर आप इस बुक को पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, ताकि वो आपको एक बड़ा प्रॉफिट ला कर दे। रॉबर्ट के पुअर डैड यानी कि असली पिता हमेशा पैसे के पीछे भागते रहते थे और हमेशा लायबिलिटीज क्रिएट किया करते थे, जबकि जो रॉबर्ट के दूसरे पिता थे यानी कि रिच डैड, उन्होंने अपनी लाइफ में पैसे को मैनेज करना तो सीखा ही था, साथ में कहाँ पे इन्वेस्ट कितना करना है वो भी उन्हें अच्छे से पता था। पांचवा सीक्रेट रूल है एसेट्स और लायबिलिटीज को समझें। जी हाँ दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी की इस बुक में ये समझाया गया है कि अपने असेट्स और लायबिलिटीज़ को समझना चाहिए। अमीर और गरीब में बस इतना सा ही अंतर है कि वो अपने दायित्वों और संपत्ति को समझता है और उसमें क्या अंतर है उसको अच्छे से जानता है। छठा सीक्रेट रूल है मौके की पहचान करना। जी हाँ दोस्तों, सही मौका कभी बता के नहीं आता है, सही मौके को हमें खुद पहचानना होता है। इसलिए रॉबर्ट कियोसाकी की इस बुक में समझाया गया है कि सही मौके को पहचानना सीखें, क्योंकि रिच लोग सही मौके को आसानी से पहचान सकते हैं, जबकि पुअर माइंडसेट के लोग सही मौके को नहीं पहचानते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये कुछ मैजिकल सीक्रेट टूल्स थे जो कि रिच डैड पुअर डैड से लिए गए हैं। अगर आप इस बुक को पढ़ना चाहते हैं तो नीचे उसका लिंक दिया गया है।